तो यहाँ जी अभी सुबह का टाइम है और जो मैं छत से सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ। दोपहर में अगर टाइम मिलता तो दोपहर को इनको फोल्ड कर लूँगी और नहीं तो शाम में बैठ के कर लूँगी। चलते हैं किचन में और जो है देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दो से अल्लाह के कर्म से हम भी ठीक हैं। तो अभी हो रहा है जी सुबह का 10:30 का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह बच्चों को भी मैंने करवा दिया है, तो बाकी काम जो है थोड़े बहुत घर के रहते हैं। तो शाम को जो हम लोग जो आए थे वापसी जो शॉपिंग करके बहुत लेट हो गए थे, तो फिर जो है मैंने सहरी की वीडियोस भी नहीं बनाई और मैंने रोज़ा भी नहीं रखा, फिर वीडियो भी नहीं बनाई। क्यों से जो है मेरे शाम को फिर तो हल्का हल्का सर गुर्दे में दर्द हो रहा, क्यों से शाम को जो हम लोग ने थोड़ी स्पाइसी चीज़ें खा ली थी बाहर जाके, तो उसकी वजह से ना मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। फिर जो घर पर आकर टेबलेट वगैरह मैंने खाई, अब भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे भी गुर्दे में दर्द हो रहा है, पर ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। जब ज़्यादा दर्द हो जाता है ना फिर जो है उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर जो हस्बैंड को छुट्टी करनी पड़ती, तो अल्लाह का शुक्र ज़्यादा दर्द नहीं है। मुझे सिरप भी पी लिया और टेबलेट वगैरह भी जो है मैंने खा ली है। और जी अभी मैंने वीडियो मैंने कहा चले स्टार्ट कर लेते हैं। और जो शाम को जो मैं जब वापसी आई थी ना 12:30 हमें बज गए थे मार्केट में, और उसके बाद जो है कल आप लोगों ने जिस वीडियो में देखा मैंने कपड़े वगैरह जो है धोए थे छत पर डाल के आई थी, वो जो हैं जो बचे हुए थे कपड़े ना वो घालने के लिए पड़े हुए थे। तो हस्बैंड आए तो फिर हम लोगों ने खाना वाना बाहर ही खाया, शॉपिंग वगैरह भी जो की थी बाहर ही। तो रात के 1 बजे जो मैंने छत पे जाके कपड़े डाले, क्योंकि सुबह जो स्मेल हो जाती मैंने शाम में डाली थी, हस्बैंड ने हेल्प की थी उठा के वो गए थे, तो फिर ज़रा मुझे ईजी हो गया, बच्चों ने भी मिल के डलवा लिए थे। तो अभी जो है बस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, अभी बच्चों को नाश्ता वगैरह, क्योंकि तो रोज़ा तो मेरा है नहीं, तो बर्तन जो हैं थोड़े से बस ये नाश्ते के पड़े हुए हैं ये बर्तन, और ये बर्तन धोती हूँ और गैस चला जाएगा। आज सोच रही हूँ कि सालन जो है टाइम से बना लेती हूँ, और ये सालन की मैं बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। शाम को जो है मैंने हालांकि चिकन को मसाला वगैरह लगा कर रख लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था टिक्का बोटी बनाऊँगी, और मतलब तवे पर बनाना था, टिक्का सीख बनानी थी मुझे, टिक्का बोटी कह दिया, सीख बनानी थी, टिक्का सीख जो होती है वो बनानी थी मुझे। तो ये जो है फिर उसके लिए जो मैं सोच रही हूँ बना लूँ, पर वो भी वही बात है कि बना लूँगी तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा फिर गुर्दे का मसला। तो सोच जो मैंने मसाला वगैरह लगा के रखा है अगर ऐसे मैंने तवे पे बनाई ना तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो फिर जो है मैं नहीं खा सकती। ये देखो तो अभी इस पर फुल मसाला वगैरह बनाया हुआ है मैंने, तो अभी सोच इसको इस तरह नहीं बनाती, थोड़ा सा ये डिश जो है थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी मुझे, मतलब कि मेरे को जो है ना थोड़े इसमें आलू डालने पड़े, जैसे आलू वाली ग्रेवी वाला सालन बनता है ना, मैं सोच इसको वैसे ज़रा चेंज कर लूँ, जैसा भी बनेगा खा लेंगे अच्छा ही बनेगा, क्योंकि इसमें तो आप लोगों को पता है टिक्का साशे इसमें डालो ना उसका टेस्ट अच्छा है, तो थोड़ा ग्रेवी हो जाएगी आलू डल जाएगा ना, तो मुझसे ज़्यादा स्पाइसी है ना थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह बनाऊँ तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, जो गुड़ते में पहन तो फिर उठ ही ना जाए मुझे, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने मुझे मना है। कभी कभी डॉक्टरियाँ कर लेती हूँ खा लेती हूँ, भाई राहत तो जानता नहीं है इंसान से, तो असल में जो है गुर्दे में ज़रा रेत वगैरह ना, तो फिर जब मैं ऐसी चीज़ें बाजी वगैरह खा लेती हूँ ना तो फिर ये जो सूजन हो जाती है, सूजन जब होती है ना तो फिर गुर्दे में पेन स्टार्ट हो जाती है। और भाई ने भी कमेंट्स किया था कि भाई ने किया था कि किसी सिस्टर ने किया था, याद मुझे भी नहीं आ रहा, कल वाले वीडियो में मैं बताना भी भूल गई, मुझे हस्बैंड ने बाद में कहा कि आपने ये उनको जो जवाब नहीं दिया, बस ये सारा दिन गुजर गया, यकीन करें कपड़े धोते ही गुजर गया मेरा। तो उनका भी पूछा था तनवीर भाई का रابطہ करने का, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं अपनी शॉपिंग भी इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो लाइट का इशू है आप लोगों को पता है, बहुत ही मसला बना हुआ रमज़ान में, तो मैं अभी बस सालन बनाती हूँ, साथ साथ में आप लोगों से वो बात भी शेयर करती हूँ, बस आपने रहने हमारे साथ। और जी मैं जो है कढ़ाई में बनाऊँगी, और जी यहाँ पर जो मैंने 2-3 आलू जो है निकाल लिए हैं और 2 इसमें प्याज डालूंगी, कि आप लोग को पता है प्याज जो है बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। और जी इसको जो है इसकी कूलिंग जो है निकली हुई, क्योंकि सुबह से ना मैंने फ्रिज ऑफ ही किया हुआ था, ये देखें कितना स्पाइसी लग रहा है। और इसमें मैंने दही ऐड किया, टिक्का साशे ऐड किया हुआ है, और नॉर्मल मोटी मिर्च भी दरदरी सी है ना वो भी डाली है मैंने इसके अंदर, तो बहुत स्पाइसी हुआ हुआ है। सोचा इसको बस ख़त्म करने के लिए ना थोड़ा आलू ऐड कर लूँगी ना, तो थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी, तो इसका जो है ज़्यादा टेस्ट जो है मसाले वगैरह का जो है हल्का हो जाएगा।
तो इसको भी मैंने कल धो के रखा था, इसको जो है दूसरे तीसरे दिन जो मैं धोती रहती हूँ कि इसमें सारे सूख जाते, बहुत ही बुरी लगती है। और अभी तो मेरे ये काम की नहीं है कि उसे, इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाला हुआ है। और ये बस ये अभी नाश्ते के थोड़े से पड़े जी बर्तन, ये बर्तन धोते हैं। मलाइका हुरैन गई है बाहर अपनी चीज़ लेने के लिए, तो मैंने जो है ना ये देखें पैदान वगैरह इधर रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला ये थोड़ा सा ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और वहाँ पर पड़े कुशन वगैरह और ये छोटे वाले तकिए तो इनको भी उठाती हूँ। गगू ने गाड़ी वहाँ रख दी है, तो पहले किचन वाला काम जो है मैं क्लियर कर लेती हूँ ना। और मेन बात है ना ये देखिए इस टाइम जो है गैस रुकी हुई है, अभी जो मुझे मशीन नहीं लगानी पड़ी कि उसे गैस है, और तभी मैं कह रही हूँ जो पहले जो है आज मैं सालन वगैरह जो है बना लूँ, उसके बाद जो है बाकी काम जो है बाद में करूँगी। तो अभी जो प्याज कट करते हैं पहले, और अभी जो है ना मैं बस प्याज काटती हूँ। आज दो प्याज मैं डाल रही हूँ कि थोड़ा तो ना उस मसाले की वजह से, बाकी सारे मसाले जो इसमें डले हुए हैं नमक तक भी उसमें डाला हुआ, बस अपनी गुर्दे की वजह से ना तो उस तरह नहीं बना सक रहे। हालांकि शाम को जो हमने बनाना था सालन, तो बस हस्बैंड ने जब कॉल की थी ना कि आपने घर पे नहीं बनाना आज बाहर जाके खा लेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे लड़ी जाना है। हालाँकि बीच पर भी मैंने डॉक्टरी की थी, मैंने जो है ना जिंगर बर्गर जो एक दो बार घर पर मतलब ला के ना खाया है, तो जैसे मार्केट जाती रहेगी ना तो मतलब बच्चों के लिए लाती थी मैं कि बच्चे घर पे भूखे होंगे, और ख़ुद भी खा लेती थी, किसी आप लोगों को पता है इंसान कहाँ रह सकता है। तो बस अभी जो है प्याज कट करते हैं, और आटा वगैरह भी मैं गूंद लूँगी, बाकी काम जो है मैं बाद में करूँगी। मेरे सारे कपड़े जो हैं कमरे में पड़े हुए हैं फोल्ड करके रखने, और आप लोगों का पता है बस ईद भी अब करीब करीब है और उसकी भी तैयारी करनी है, और कपड़ों की भी जो है कपड़े तो अभी आ चुके हैं मेरे, अभी तक नहीं आए तो क्योंकि पैसे जो है कम हो गए थे, तो मैंने सोचा फ़िलहाल बच्चों की शॉपिंग कर लें। तो बच्चों की शुक्र है शॉपिंग हो चुकी है, मैंने बच्चे के बच्चे की होगी तो माँ तो खुश हो जाएगी भाई और क्या। तो हस्बैंड कह रहे थे अगर मुझे पैसे एक्स्ट्रा मिल गए ईद से पहले एडवांस तो मैं आपको ले दूँगा, बाकी जो है फ़िलहाल आप गुजारा करें। तभी जो मैंने अपने वो दो सूट जो है बचा के रखे हुए हैं, मैंने सोचा अगर ना भी मुझे ले के देंगे ना तो वो जो पहले वाले मेरे पड़े तो मैं वही वाले पहन लूँगी। तो बस जी मैंने तो गुजारा ही करना है, और आप लोगों की कैसी शॉपिंग जा रही है और आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है। और जो है एक और कॉमेंट्स भी आया था और मुझे अब वो याद नहीं आ रहा, चले जी मैं याद कर लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ, जब तक प्याज काट लूँ। प्याज भी आजकल ना पता नहीं क्यों गीले गीले से देते हैं, खुश्क भी नहीं है। चलिए जी प्याज जो है मैंने बस काट लिया, इसमें जो अभी ऑयल डालती हूँ, और जी ऑयल की बोतल ये पड़ी इस दफ़ा ना। हालांकि मैंने पकोड़े वगैरह भी नहीं बनाए, बस एक बार शायद बनाए मैंने और नहीं बने भाई इस दफ़ा मैंने पकोड़े, इसलिए नहीं बनाए कि स्पाइसी होंगे, तो हस्बैंड ने भी डांटा था आप ऐसे काम नहीं करना। और बस चिप्स बनाई थी दो बार बस, तो बस इतना ऑयल इसके अंदर डालूंगी। और जी उन सिस्टर का अगर कमेंट जो है मुझे इसी वीडियो में याद आ जाएगा तो मैं जो हूँ ना बताऊंगी, और अगर नहीं याद आया तो जो है मैं ना कल वाली वीडियो में उसका जवाब ज़रूर सिस्टर को दूंगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा जवाब का इंतज़ार होता है और मैं कमेंट में इतना नहीं देती जवाब, और क्योंकि बस शॉर्टकट होता है जल्दी जल्दी जी बस आप लोगों के कमेंट्स देखे और बस बाद में कहती हूँ याद करके मैं आप लोगों को जो जवाब दूँगी, तो बस अभी याद नहीं आ रहा। प्लीज़ सिस्टर अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, जो बात है आप जो है मैं कल चैनल के बारे में पूछ रही थी तो वो मुझे आप दोबारा से कमेंट्स कर दें इस वीडियो पर, तो इंशाल्लाह जो कल वाली वीडियो में आपको भी मैं उसका जवाब भी दूँगी। और बस इधर जो है मैंने सालन वगैरह रखा हुआ है ये बस तैयार करती हूँ, और जो है सिलाई मशीन को निकालती हूँ, उसको भी मैं जो है धूप पे छत पे रख के आती हूँ, उसको जो ऑयल वगैरह भी देते हैं उसको सफाई अच्छे से सफाई करके फिर जो उसको छत पे रख के आती हूँ। चलिए जी मैंने जो आलू भी कट कर ली हैं, और ये देखिए तीन चार आलू मैंने कट किए हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसके अंदर जो चिकन को डालूँगी, फिर इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है ना तो वो जो कच्चा रहेगा ना तो फिर स्मेल आएगी लहसुन अदरक की, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, तो पहले इसको भुनाई करके उसके बाद जो मैं आलू इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, सारा मसाला ना इसको चम्मच से निकाल लूँगी इस तरह, ये भी चला जाए ज़ाया ना हो जाए ना। और इसमें टमाटर भी ऐड करना है, मैंने एक आध टमाटर ऐड करूँगी, दही ऐड की है पर उसका टेस्ट अपना है और टमाटर का आप लोगों को पता है अपना है। तो ये देखेंगे
अभी जो है साथ साथ भुनाई भी होती रहेगी। और इसके अंदर जो है ना मैंने एक टमाटर ये देखे काट के रख दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला कि दोबारा जो सारे मसाले निकल आए इसमें, ये देखें। तो अभी जो है ये साथ साथ इसकी भी भुनाई हो जाएगी और टमाटर भी जो है नरम हो जाएंगे। तो मैं जो है ना इसके लिए इसके ऊपर ना 2-5 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे देती हूँ और टमाटर जब नरम हो जाएंगे तो इसके साथ जो अच्छे से चिकन की भुनाई हो जाएगी। तो अभी इसके ऊपर ना ये ढक्कन दे देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। और जी ये आलू पड़े हुए ना तो आलू इसके अंदर बाद में डालेंगे। और तब तक जो है मैं ये जो पड़े थोड़े से नाश्ते वाले बर्तन और ये बर्तन धो लेती हूँ। चलिए जी मैंने जो सारे बर्तन जो हैं धो लिए हैं और जो है अभी ये जग ये भी धुला हुआ ही है और बस काउंटर को जो है ना थोड़ा खुश्क कर लेती हूँ। बस ये घी लें और सालन से जो है मैंने ढक्कन उठा लिए और ये देखेंगे माशाल्लाह इसकी जो अच्छे से भुनाई तो हो गई है। और इसके अंदर मैं सोच अभी ये डाल देती हूँ आलू, तो आलू भी साथ साथ में गल जाएंगे। असल में दही थी ना इसके अंदर और उसने जो है पानी छोड़ दिया है साथ। अभी जो इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। हाफ चिकन जो है फ्राई हो गई है, मतलब हाफ चिकन गल गई है और अभी जो इसके साथ मैं गलाऊंगी। और अभी इसके ऊपर फिर ढक्कन दे देती हूँ, फिर जो अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी ना फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी तो स्पाइसी थोड़ा जो है कम हो जाएगा। अब इसका 5 मिनट और वेट करते हैं। तो अभी जो मैंने इस पर ढक्कन दे दिया है और 5-10 मिनट और मज़ीद इसका इंतज़ार करते हैं। बाकी सारा काम जो हो गया, किचन की सफाई हो गई, बस आटा जो बाद में गूंद लूँगी। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ, बस सालन की टेंशन थी और किसी मशीन नहीं लगानी पड़ी। गैस जो आ रहा है इस टाइम और तकरीबन 3-3.5-4 बजे तक ये गैस होगा। तो मैं सोच बस ये काम मैं क्लियर कर लूँ, बाकी जो मशीन को भी साफ़ करना है। और कैसे आप लोगों को पता है ईद भी करीब है और सफाइयाँ भी करनी है, काम भी बहुत सारे हैं, मुझे कपड़े भी सिलाई करने हैं। बच्चों के तो मतलब स्टिच हुए हुए हैं उनके तो मैंने ले लिए हैं और अपने सोच रही हूँ जो मेरे पास जो है अनस्टिच पड़ा हुआ है, जो कटिंग हुआ पड़ा है उसको भी मैंने सिलाई करना है। मलाइका की जो शर्ट पड़ी उसको भी सिलाई करना है, मतलब थोड़े बहुत जो कपड़े हैं उनको सिलाई करना है। और ख़ासतौर मसला ये है कि जब मशीन रखते तो लाइट चली जाती है, मसला ये है सारा रोटी का मतलब लाइट का मसला सारा है जी। और जी मैंने और भी काम करने, और आप लोगों को बता दूँ और भाई के कमेंट्स का कि से रब्ता नहीं हो रहा तनवीर भाई से, तो उनका जो है पहले वीडियो में वो अपना जो है नंबर नहीं देते थे व्हाट्सएप, और अब मेरे भाई आप जाके देखें उनकी कोई सी भी वीडियो भी देखें तो उनका जो है व्हाट्सएप नंबर जा रहा है। तो उनसे जो है आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, जो भी आपका मसला है चैनल का वो आपका जो है सही कर लेंगे। तो वो जो है कमेंट्स का जवाब जो है शायद लेट भी दें तो जवाब मिल ही जाएगा आपको, शायद जल्दी भी मिल जाता है। और हद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5-6 घंटे के अंदर जो है आराम से आपको जवाब मिल ही जाएगा। बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मसला है आपके चैनल का तो आप जो है उनसे रब्ता करें उनके वही नंबर से, और कोई नंबर जो है उनका नहीं है। तो पहले वो नहीं देते थे और अब जो है उन्होंने दे दिया है। और हम लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि हम जितने भी यूट्यूबरों से पूछते थे कोई भी नहीं ये बात बताता था, कोई भी नहीं बताता था, और शुक्र है जो है अब पता लग गई और अब आसानी हो गई है। तो बस जी मेरा जो है ये मसला भी इंशाल्लाह क्लियर हो गया। तो बाकी जो है जो भी होगा मतलब मेरे चैनल का तो मैं आप लोगों से जो है मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपने चैनल के बारे में। तो अगर जिन बहन भाइयों को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा। और काफ़ी जो है मेरे बहन माशाल्लाह बहुत समझदार है कि चैनल जब मोनिटाइज हो जाता है तो क्या होता है क्या नहीं होता, तो उन लोगों ने सारा सेटअप कर रखा है माशाल्लाह से, बहुत समझदार हो आप लोग। और जिनको नहीं पता तो प्लीज़ आप लोग जो है ये भाई तनवीर भाई से भी रब्ता कर लें, वो वैसे जो है काम करोगे तो कांटेक्ट करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। वैसे जो है फजूल बातें अगर जो आप लोगों ने वैसे पूछना है तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा। जो काम करना है उसका जवाब भी मिलेगा, जो होगा आप लोगों से वो कांटेक्ट जो है ख़ुद वो कर लेंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा सालन जो है ये देखिए मज़ेदार से तैयार है और काफ़ी टाइम हो गया इसको तैयार हुए हुए। यहाँ पे जो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, अभी ये ठंडी हो जाए तो फिर बच्चों को भी चाय देते हैं। आज जो है मैंने एलोवेरा को जो है पानी बहुत लेट दिया, हालांकि मैं सुबह पानी दे देती हूँ। और जी बाहर का मौसम देखते हैं मौसम कैसा है। माशाल्लाह बाहर तो इतनी ठंडी हवा है ना, खिड़की में खड़े होकर लगता है दिल ही नहीं कर रहा, खिड़की में जो खड़े होकर दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से बंदा हटे। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब दिल तो करता छत पर चला जाए बंदा। और ये अगर बच्चे भी साथ में जाएँगे मेरे। और ये देखिए जी काफ़ी लाइटें ऑफ लोगों ने की हुई, एक तो बिजलियों के बिल जो ज़्यादा आते हैं ना इस वजह से।
माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सर जी खिड़की जो है बंद नहीं करते फिलहाल, और कैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और जाली वाला पर्दा मैंने इसलिए इधर लगाया हुआ है ना कि सामने जो आप लोगों को पता घर है ना, तो उनकी खिड़की जो है हमारे बिल्कुल सामने घर दिखता है, तो ये इसलिए लगा है जाली वाला कि तो हवादार भी हो ना। और ये जाली वाला पर्दा अभी तक तभी मैंने धोया नहीं है, जब कल कपड़े धोए तो इसको मैंने नहीं धोया, इसी वजह से कि बाहर जो है ना फिर ये ओपन हो जाएगा, इसलिए तो दिन को जो है गर्मी है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई जैसे आप लोगों को पता है, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर जो शाम में किसी दिन धो लूँगी। शाम में तो उस दिन कल मैं थकी हुई थी शाम में, फिर मैंने इनको रहने दी, क्योंकि पानी जो काफ़ी मेला हो चुका था और ये वाइट था, शुरू में डालती तो फिर था, तो बहरहाल फिर जो है ईद के करीब करीब जब कपड़े धोएंगे ना तो फिर उसको जो है अच्छे से धो लूँगी। और आप लोगों को बताती हूँ कि हुरैन मलाइका क्या कर रही है इस टाइम। और जी ये देखें इनके पापा ने इनको झूला जो है लगा दिया, ये देखें अब माशाल्लाह झूला का अच्छे चले जी, बच्चे जो है खुश हो गए अभी जो है, यकीन कर सारा दिन गुजर के ना कपड़े जो है लपेटे नहीं गए, ये देखे जी, तो अब ये कल ही लपेटूंगी इनको, तह बना दूंगी और मतलब दो दिन बाद इन कपड़ों को जो है फोल्ड करेंगे अब कल ही। इससे पहले ना मैं सोच रही हूँ इस रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन को चेंज करूँ, जैसे कि अभी तो मैंने ये रमज़ान की लगाई है इंशाल्लाह, और ईद के करीब करीब जो है इसकी सेटिंग भी दोबारा से ना चेंज करूँगी, तो अभी बस इसको सुबह ही फोल्ड करूँगी, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। लाइटें जो है ना ऑफ़ कर देती हूँ, आप लोगों को पता है बिल जो है बहुत ज़्यादा ही आता है, वो नहीं बैठ रहा, छोड़ दो उसको, को डर लग रहा है झूले से, डर लग रहे हैं। हाँ जी क्या हुआ। और अभी जो है मैं रोटियां बना रही हूँ, और यहाँ पे जो ये देखे काफ़ी सारी रोटियां जो है मैंने बना ली हैं, और यहाँ पे सालन जो दोबारा गर्म कर रही हूँ क्योंकि लाइट जाने वाली है ना, और इसमें जो मैं गर्म मसाला डालना भूल गई थी, अभी मैंने इसमें गर्म मसाला भी डाल दिया है, तो बस ये आखिरी रोटी है, और साथ में जो है रायता भी मैंने बना दिया है, तो वो जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, अभी लाइट जाने में जो है 5-10 मिनट रहते हैं, और इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ, जब एक दो बॉयल आ जाएंगे इसको बंद कर दूँगी, लाइट चली जाएगी ना, स्लिम भी जो है 5-10 मिनट बाद आ ही जाएंगे, तो फिर जो नहीं तो फिर सिलेंडर पे मुझे रोटी बनानी पड़ती है और सालन भी उस पर गर्म करना पड़ता, तो आज मेरे पास टाइम था और मैंने सोचा आज पहले ही रोटी बना लेती हूँ, तो उसे 5-10 मिनट रहते हैं उनके आने में भी। और आज जो है ना मैं ये देखें पतीली में रोटियां रख रही हूँ, इसलिए कि उसे जो है ना आज हार्ट पार्ट जो है ना वो थोड़ा मेला हुआ है, तो अभी टाइम नहीं है, मैंने सोचा चलो उसको सुबह ही धोऊंगी, और इस पतीली में जो है मैंने ये देखे रोटियां रख दी रुमाल लपेट के, और बस सालन जो है ये देखें बस एक दो बॉयल आएंगे ना तो इसको भी बंद कर दूँगे, मसाला निकाला है वो ये डब्बा भी ये देखें, और ये जो है मैंने गर्म मसाला जो है ना इस दफ़ा बना हुआ लिया था शान का ना, तो ये जो है अच्छा नहीं है, और आप लोग भी आज के बाद ना ये ना लिया करें पाउडर, घर पे बंदा मसाला बना ले ना और वो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जो है ना खाना खाने के बाद जो है एक कैल्सी भी लूँगी। बच्चों ने गली में इतना शोर किया हुआ ना, ये देखें बच्चे जो है गेट में खेल रहे हैं ना, इसलिए बच्चों ने शोर किया हुआ। हटाया हुआ ना तो ये मैंने रोटी बनाई है ना, तो सारी मतलब ये हीट इधर से निकल जाए, तो पंखा तभी ऑन किया हुआ, वैसे भी गर्मी ही है। आप लोग नहीं थकी अभी तक, तो ये बच्चे जो है नहीं थकते झूला खाते खाते, आराम से लग जाएगी जी। ये देखें मेरे बेटे को देखें, मेरा छोटा बेटा क्या कर रहा है, केटो के साथ खेल रहे हो आप, ये देखें जी केटो के साथ खेल रहा है ये, ओ माशाल्लाह मेरे बेटे के केटो है, आज इसने देखे ये फिर पत्ती खाई, मुँह देखा है इसका आपने, अभी इसने फिर पत्ती खाई, पत्ती क्यों खाई आपने, हाँ पत्ती खाई आपने, गंदे पुत्र हो आप, गंदे पुत्र हो, इसको इसको बहुत पसंद है ये भाई, खा ली आपने, यम यम थी खा ली, खा ली हरी सद का, ये गिर गई ना, ये दांत टूट जाएंगे सामने वाले। चलिए जी सारे घर के काम जो है मैंने कर लिए हैं, और रोटी सालन जो है मेरा तैयार हो चुका है, मलाइका हुरैन बस जो है अभी बस कार्टून देख रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बस 5 मिनट ही रहती होंगे तो हस्बैंड आने वाले हैं, तो बस अभी मैंने कहा चलो वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ, आज की वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।